राजस्थान विधानसभा चुनाव का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगा तभी स्पष्ट होगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूर्ण बहुमत पाने का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत में दोनों ही दल डरे हुए हैं। इसकी वजह बने हैं बागी और अन्य दलों के प्रत्याशी। बीजेपी के करीब 30 बागी चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 24 बागी चुनावी मैदान में डटे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने बागियों को खूब मनाने का प्रयास किया, अधिकतर बागी टस से मस नहीं हुए। इसका नतीजा यह रहा कि 50 से ज्यादा सीटों पर बागियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। आरएलपी ने 86 तो आजाद समाज पार्टी ने 50 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। इस गठबंधन ने 136 सीटों पर चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। बेनीवाल और रावण ने मिलकर प्रदेश की 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। 1 दर्जन सीटों पर हुई चुनावी सभा में भारी भीड़ जुटी। इस भीड़ ने बीजेपी और कांग्रेस की जीत के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। गौरतलब है कि झुंझुनू की उदयपुर वाटी जयपुर की झोटवाड़ा की तरह सिवाना, चैटन, हिंडौन, सीकर, सलुम्बर, राजसमंद, कुंभलगढ़, जैतारण, सरदार शहर, वल्लभ नगर, खिरवाड़ा, जायल, बूंदी, केशोराय पाटन, मनोहर थाना, डग, प्रतापगढ़, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, किशन गढ़वास, मुंडावर, गंगापुर सिटी, निवाई, करौली, सपोटरा, नागौर, खीमसर, मेड़ता, परवस्सर, जालौर, कठूमर, बहरोड, शाहपुरा, भीलवाड़ा, खंडेला, लुणकरसर, झुंझुनू, मावली, सांचौर, पिलानी, खेतड़ी, सादुलशहर, करनपुर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, हनुमानगढ़, बादरा, नोखा, डूंगरपुर, डूंगरगढ़, शाहपुरा, जयपुर, आसपुर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, नसीराबाद, आसींद, अजमेर उत्तर, लाडपुरा, डीडवाना, बाड़मेड़, बायोतू, संगरिया, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और मसूदा में बीजेपी और कांग्रेस के साथ मजबूत बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में अंत तक डटे रहे थे। मतलब ये सीटें ही काफी हद तक राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी वो तय करेंगी। इन सीटों पर ये ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बागियों ने बड़ी मुसीबत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बढ़ाई। इसके अलावा शेखावाटी की 3 सीटों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सभाओं में भारी भीड़ जुटी। भीड़ ने सीपीएम के प्रत्याशियों की जीत के द्वार खोल दिए। इसी तरह आदिवासी बाहुल इलाकों में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी और भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने भी दमदार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। इन इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीटीपी और बीएपी ने कांग्रेस बीजेपी की राह में रोड़ा अटका दिया है। करीब 1 दर्जन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है। पूरे राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में 80 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार हैं। खैर, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी 3 दिसंबर को जब नतीजे जारी होंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। और 3 दिसंबर को सबसे सटीक नतीजों के लिए आप लोग देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।